नमस्कार, मैं नरोत्तम बोली स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज बहुत दिन बाद एक ब्लॉगिंग करने का मन है और मौका भी कुछ खास है। 5 अगस्त 2020 यानी कि कल राम मंदिर का भूमि पूजन है। इस बारे में पापा से बात हो रही थी। ही वॉज टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रगल एट 1992। बाय द वे, देट वॉज माई बर्थ ईयर। सालों से हजारों लाखों लोगों ने मन्नत मांगी हुई थी कल के दिन के लिए और ये वक्त आ गया है। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग श्री राम जी के नाम के कुछ झंडे लाने, अपने घर में लगाने के लिए। सो निकलते हैं, स्टे विद अस। दोपहर का वक्त है, बहुत तेज धूप, टेम्परेचर इज अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस एंड इट फील्स 46 डिग्री सेल्सियस, हमारे यहाँ के रेगुलर टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा। रेडीमेड झंडा तो मिल नहीं रहा, सो वी डिसाइडेड टू मेक आवर ओन। जा रहे हैं कपड़े की दुकान में, अंदर जाके दिखाते हैं बाकी का। झंडे का कपड़ा तो मिल गया, सेफ्रॉन कलर, हम लोग ले रहे हैं 1.5 मीटर्स और यहीं पे स्टिचिंग भी करवा लेंगे। बहुत तेज चलता है इनका हाथ और मशीन भी, मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मशीन भी शायद स्पीड मैच ना कर पाए। लेट्स सी इट इन स्लो मोशन। हो गया स्टिचिंग, अभी चलेंगे घर। रेलवे स्टेशन के पास से जा रहे हैं। ओ पुरा की कोई सया, जितना भी बोल लीजिए, समझा लीजिए, कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जहां मौका मिला वहीं पे बाबूराव की तरह पेशाब चालू। रेस्पेक्टेड असम पुलिस एंड इंडियन आर्मी, आम लोगों की सुरक्षा के लिए। रोजाना ऐसा दिखा नहीं जाता यहाँ पर क्योंकि कल स्पेशल डे है और कोई सांप्रदायिक घटना ना घटे, शायद इसीलिए तैनाती की गई है। अभी झंडे में लिखेंगे श्री राम का नाम। 4 अलग अलग झंडे हैं, 2 छोटे और 2 बड़े। चारों में एक जैसा लिखने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और वक्त भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए एक पेपर में लिख के उसे कट कर रहा हूँ। आप लोग कभी ऐसा कुछ अगर बनाना चाहे तो टेक्निक देख सकते हैं। मैं स्केल यूज कर रहा हूं फॉर स्ट्रेट लाइंस। ब्लेड की जगह कटर भी यूज कर सकते हैं, बच्चे कटर ही यूज करें। पेपर को ग्लास सरफेस के ऊपर ले ले फॉर बेटर कटिंग रिजल्ट। पेपर कटिंग के बाद झंडे में डालने वाले जो डंडे हैं उनमें भी कलर कर रहे हैं। अभी आराम से लिखेंगे श्री राम जी का नाम। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेपर को सेट करना। कपड़े के नीचे थर्मोकोल है और मैंने पिन यूज किया है ताकि ये पेपर किसी भी कारण से हिल ना जाए। अभी बस कलर करना है।
मेरा झंडा तैयार है। लुक्स बेटर हो इसीलिए पापा साइड से सिल्वर कलर्ड टेप लगा रहे हैं। ही यूज टू हेल्प मी एवरी टाइम। अभी लगाएंगे झंडे में डंडा। हो गया, लुक्स गुड। थोड़ी मेहनत लगी पर खुद का बनाया हुआ ऑलवेज लुक्स गुड। अभी इनको लगाते हैं और फिर दिखाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे दो झंडे लगाए छोटे वाले, और ये सेकंड फ्लोर पे। जय श्री राम। एक व्यू तो नीचे से भी बनता ही है। भारत का शायद ही कोई घर होगा आज जिसमें श्री राम को समर्पित एक दिया ना हो। 500 सालों से चली आ रही लड़ाई की जीत है ये। उम्मीद है इस जीत की खुशी और इस खुशी का उजाला हमेशा रहेगा। शेयर द वीडियो, शेयर द पॉजिटिव वाइब। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी में उम्मीद जगाते रहे। हैव गुड लाइफ, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद।